हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा बहुत ही खूबसूरत सा देसी गुलहड़ का प्लांट है और आज इस खूबसूरत से गुलहड़ के प्लांट को मैं एक नए पॉट में शिफ्ट करूंगी। और ये देखिए, ये है वेस्ट मटेरियल और ये एक घी का बहुत ही अच्छा बड़े साइज का डिब्बा था, तो इसको मैंने इस तरीके से कट कर दिया है और इसी के अंदर आज मैं इस गुलहड़ के प्लांट को लगाऊंगी। नीचे मैंने होल बनाए हैं ताकि पानी जो है अच्छी तरीके से ड्रेन आउट हो जाए। पानी क्योंकि प्लांट में रुक जाता है तो प्लांट हमारा खराब हो जाता है और ये प्लास्टिक का है तो बहुत ही जरूरी है कि इसके अंदर हम बहुत सारे, देखिए मैंने होल्स बनाए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप देख सकते हैं ये कितना हेल्दी प्लांट है। और सर्दियां जब शुरू होने वाली थी तो मैंने इसकी ना ब्रांचेस की हल्की सी प्रूनिंग कर दी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये देखिए हर तरफ से मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी थी। तो जब मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी सारी न्यू सी ब्रांचेस आ रही हैं। और अगर इस प्लांट को मैं इस टाइम इसको नए पॉट में शिफ्ट कर दूंगी तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा, इसमें बहुत सारी बड्स कलियां आएंगी और इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से काफी हैवी फ्लावरिंग होगी। तो इस प्लांट को देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी प्लांट है। तो इसका जो इसको नए पॉट में शिफ्ट करने का जो मेरा मकसद है वो इसलिए कि देख सकते हैं ये एक पुरानी सी बाल्टी थी, इसके अंदर मैंने इस प्लांट को कटिंग के थ्रू ही लगाया है। ये देखिए कितना हेल्दी प्लांट है, इसकी ब्रांचेस कितनी मोटी मोटी सी हो गई है और ये जो पॉट है ये बिल्कुल देख सकते हैं आप खराब हो चुका है, ये फट गया, नीचे से भी काफी खराब हो चुका है। तो अब मैं इसको, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इस खूबसूरत से पौधे को मैं नए पॉट में शिफ्ट कर दूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इस तरीके से आपको करना है ताकि मिट्टी थोड़ी सी लूज हो जाए। देख सकते हैं कितना खराब ही पॉट हो चुका है। तो थोड़ा सा पैर की हेल्प लेते हुए इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से आप प्लांट को निकाल सकते हैं और ये बाल्टी देख सकते हैं बिल्कुल टूट चुकी है, तो बहुत जरूरी था। तो कितनी आसानी से, कितनी अच्छी तरीके से पूरी देख सकते हैं मिट्टी के साथ ये प्लांट निकल आया है। तो आप देख सकते हैं हमने पौधे को बहुत ही अच्छी तरीके से निकाल लिया है और ये देखिए बहुत सारी रूट्स हैं। तो अब इस प्लांट को हम बिल्कुल सावधानी के साथ इस तरीके से साइड से मिट्टी काट देंगे। आप देख सकते हैं अब इसमें बहुत सारी रूट्स, अभी बहुत ज्यादा रूट बाउंड ये प्लांट नहीं हुआ है लेकिन इसको शिफ्ट करना जरूरी था क्योंकि इसका पॉट खराब हो चुका था। तो इस तरीके से हमें साइड साइड से रूट्स को काटते हुए मिट्टी को हटाना है और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो इसकी मेन रूट होती है उसको आपको नहीं काटना है। तो इस तरीके से साइड से हम मिट्टी निकाल देंगे। और थोड़ा सा ऐसे लूज करेंगे, मिट्टी थोड़ी गीली है और आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये प्लांट निकल आया। इस प्लांट को मैंने कटिंग के जरिए ही लगाया था और देख सकते हैं काफी, ये एक साल का हो चुका है प्लांट। अब हमें जो है थोड़ी सी रूट्स इसकी काट देनी है। इसकी जो रूट होती है मेन रूट वो बीच में होती है तो हमें बीच वाला नहीं छेड़ना है, साइड साइड की जो जड़ें हैं उनको हमें काट देना है इस तरीके से। तो हमने देखिए इतनी सारी जड़ें निकाल ली हैं, यानी रूट्स निकाल ली हैं, इनको साइड में कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने साइड साइड में जितनी रूट्स यानी जड़ें थी उनको हमने काटा है, बीच में हमने इसे इस तरीके से ही छोड़ दिया है और ये बहुत ही अच्छा है। बस इस तरीके से ही आपको करना है। और जो थोड़ी बहुत आप देख रहे हैं मिट्टी है और यहाँ जो मेन जो है यहाँ पर रूट्स होती हैं इसको बिल्कुल हमें कुछ भी छेड़ना नहीं है, इसी तरीके से हमें रखना है। और फरवरी का महीना चल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि हम अपने बहुत सारे प्लांट्स को
जो परमानेंट प्लांट्स हैं उनकी हम इस टाइम जो है उनको नए पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, जिनकी जड़ें रूट बाउंड हो गई हैं और बहुत ज़्यादा रूट्स फैल गई हैं। तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है कि ऐसे पौधों को आप उनको नए पॉट में शिफ्ट कर दें। और फरवरी के महीने में ही ऐसा होता है कि पौधे अपनी ग्रोथ को बहुत ही जल्दी पकड़ लेते हैं और बहुत तेज़ी से ये फिर से पौधे जो है हेल्दी बन जाते हैं और ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती और बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि हमारे पौधे मरें। तो फरवरी का महीना बहुत ही बेस्ट है, बहुत सारे परमानेंट प्लांट है, कोई भी प्लांट है इस टाइम आप उनकी उन्हें नए पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, उनकी रूट की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो देखिए हमने थोड़ी सी बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी ली थी और जो ये हमने इस पौधे से जो मिट्टी निकाली इसका भी हम यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसे अच्छी तरीके से बारीक कर लेना है। इस मिट्टी में मैंने अच्छी खाद मिलाई थी तो आप देख सकते हैं जिसमें पौधा लगा हुआ था, तो जो रूट्स वगैरह है उसको हटा लेते हैं क्योंकि जब पानी डालेंगे तो ये रूट्स गलेंगी ना तो थोड़ा सा फंगस आ सकता है। तो इस तरीके से हम रूट्स हटा लेते हैं। अब इसमें हमें मिलाना है गोबर की खाद। ये गोबर की खाद है, वर्मिंग कंपोस्ट इसके अंदर मिली हुई है, साथ में इसके अंदर किचन वेस्ट कंपोस्ट है जो मैं बनाती हूँ अपने हाथों से, सब मैंने मिलाकर रखा हुआ है। तो एक हिस्सा मैंने मिट्टी ले ली, एक हिस्सा मैंने खाद ले लिया है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने एक हिस्सा बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी ली थी और एक हिस्सा मैंने गोबर की खाद, वर्मिंग कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट ली है। अगर आपके पास सिर्फ गोबर की खाद है तो वो आप ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास किचन वेस्ट कंपोस्ट है तो वो भी ले सकते हैं, या वर्मिंग कंपोस्ट है तो वो भी आप एक हिस्सा ले सकते हैं, यानी हाफ हाफ आपको लेना, यानी एक हिस्सा आपको, जैसे कि एक हिस्सा आपको नॉर्मल मिट्टी लेनी है और एक हिस्सा आपको खाद लेनी है। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमने कुछ तैयार कर लिया है। अब इस मिट्टी के अंदर हम एक और चीज मिलाएंगे, तो ये है, देख सकते हैं आप, ये है सरसों की खली। इसी के अंदर मैंने थोड़ी सी नीम खली भी मिलाई है। तो सरसों की खली और नीम की खली दोनों हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है, स्पेशली फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट के लिए। तो 2 चम्मच ये भी हम मिलाएंगे और साथ में ये हम मिलाएंगे राख, ये है लकड़ियों की राख। ये इसलिए मिला रही हूं कि मिट्टियों के अंदर बहुत सारे ऐसे बैड बैक्टीरिया होते हैं, साथ में मिट्टी में किसी तरीके का फंगस ना लगे, कोई बैक्टीरिया ना लगे या कीड़े मकोड़े ना आए, चींटी ना आए, इसके लिए हमने 3 चम्मच राख इसमें हमने ऐड कर दी। अब इनको हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है। मैंने इसके अंदर बोन मील नहीं मिलाई है क्योंकि मुझे बोन मील नहीं पसंद, बहुत सारे लोग बोन मील का यूज नहीं करते अपनी पॉटिंग सॉइल बनाते टाइम, तो मुझे भी नहीं पसंद है, मैं भी नहीं करती हूँ, पता नहीं कि मुझे अजब सा लगता है, वो हड्डियों का चूरा ही होता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमने मिट्टी बिल्कुल मिला ली और तैयार कर ली। हमने ये पॉट ले लिया है जिसमें हमें पौधा लगाना है और ये है मेरे गार्डन की सूखी पत्तियां जिनको मैं इकट्ठा करके रखते रहती हूँ, ये बहुत ही काम आती हैं, बाद में धीरे धीरे ये डिकम्पोस्ट हो जाती हैं और खाद का काम करती हैं। तो सबसे पहले नीचे हम इसे इस तरीके से नीचे डाल देंगे। तो जब भी आपके गार्डन में इस तरीके से सूखी पत्तियां निकले तो उनको फेंके ना, ये बहुत ही काम की चीज होती है और ये समझ लीजिए ब्लैक गोल्ड होती हैं और साथ में ये पानी के जो ड्रेनेज को काफी अच्छा रखती हैं। तो नीचे इस तरीके से हम बिछा देते हैं। अब इसके अंदर हम मिट्टी डालेंगे, अच्छी तरीके से दबा देते हैं। कभी भी याद रखिए आप कोई भी पॉट लेते हैं तो हमेशा जब भी उसके अंदर कोई पौधा लगाए तो उसे हमेशा आधा ही भरें। तो आप देख सकते हैं हमने आधा भर लिया है, तो आप देख सकते हैं पॉट के अंदर हमने आधी ही मिट्टी डाली है। अब इसके अंदर हम पौधा लगाएंगे, तो इस तरीके से बिल्कुल बीच में हमें रखना है। अब मिट्टी डालते हैं, मिट्टी को अच्छी तरीके से हमें दबाना है ताकि अंदर कहीं भी हवा ना रह जाए, अगर हवा रह जाएगी तो हमारा पौधा खराब हो जाएगा। और हमेशा आपको इतना ध्यान रखना है कि इतना आपको गमले को खाली छोड़ना है, देख सकते हैं इतना, ताकि पानी और खाद देने के लिए थोड़ा सा स्पेस रह जाए। अब देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से पौधा लगा दिया है और बहुत ही दबा के यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से दबाना है ताकि आपका पौधा हिले ना।
अब इसे हम पानी देंगे। पौधे को लगाने के बाद अब इसे हमें पानी देना है। अच्छे से पानी दे दें पहली बार। और अब इस पौधे को हमें कम से कम 10 से 15 दिन ऐसी जगह रखना है जहां पे इसे बहुत तेज धूप ना लगे, हल्की फुल्की छनी छनी धूप मिलेगी तो इस पौधे के लिए अच्छी होगी। और उसके बाद 10-15 दिन के बाद आप इस पौधे को पूरी तरीके से अच्छी धूप में रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप लोग करिए हैप्पी गार्डनिंग। अल्लाह हाफिज।